अक्सर इस बात को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आई होप और आई विश में क्या फर्क है। कैसे समझे कि हमें अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान कब बोलना है आई होप और कब बोलना है आई विश। तो आइए फ्रेंड्स इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर इनकी मीनिंग की बात करें तो आई होप का मतलब होता है मुझे उम्मीद है या मुझे आशा है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात आई विश की करें तो आई विश का मतलब होता है काश। हमें आई होप का यूज तब करना चाहिए जब हमें कहना हो समथिंग माइट हैपन, यानी किसी काम की होने की उम्मीद है या उम्मीद थी या उम्मीद होगी, यानी कोई ऐसा काम है जिसे होने की उम्मीद है, संभावना है, आशा है, तो आप कहेंगे आई होप। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जिसे होने की उम्मीद नहीं है या उम्मीद नहीं थी और ना ही उम्मीद होगी, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बस एक कल्पना है, तो यहाँ पर आप कहेंगे आई विश। लगता है आप समझे नहीं। आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। आई होप सी स्टिल लव्स मी, यानी मुझे उम्मीद है वो अभी भी मुझसे लव करती है। मेरी इस सेंटेंस का सेंस है ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा होने का यहाँ पर एक चांस है, एक मौका है। आइए एक एग्जाम्पल आई विश पर देखें। काश मैं एक चिड़िया होता, आई विश आई वर अ बर्ड। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला आई विश, क्यों? क्योंकि मैं एक चिड़िया नहीं हो सकता हूँ, यानी ये काम होने की कोई भी चांसेस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, यह बस एक कल्पना है और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जब आप अपने सेंटेंसेस की शुरुआत आई होप से करते हैं तो वहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस की शुरुआत आई विश से करते हैं तो सुनने वाला ये समझेगा कि ऐसा होने की कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, या सिर्फ एक कल्पना है या सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई होप दिस इज योर लास्ट मिस्टेक, यानी मुझे उम्मीद है यह तुम्हारी आखिरी गलती है। यहाँ इस सेंटेंस का सेंस है कि ऐसा होने की उम्मीद है या ऐसा चांसेस है कि यह आखिरी है, यानी ऐसा होगा इस बात की उम्मीद है। वही दूसरी तरफ अगर मैं बात आई विश की करूँ तो मैं कह सकता हूँ आई विश आई वर अ डॉक्टर, यानी काश मैं एक डॉक्टर होता। यहाँ मेरे सेंटेंस का सेंस है कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ और ऐसा होने की कोई चांसेस भी नहीं है, ये बस एक इमेजिनेशन है, बस एक कल्पना है। आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल पास्ट टेंस में देख लेते हैं। आई होप ही गॉट अ जॉब इन दिल्ली, मैं आशा करता हूँ कि वह दिल्ली में जॉब पा गया होगा। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का सेंस है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ या ऐसा मुझे आशा है। लेकिन अगर इसी बात को हम आई विश बोलें, जैसे आई विश ही हैड गॉट अ जॉब इन दिल्ली, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ काश वह दिल्ली में जॉब पा लिया होता, यानी बातों से पता चला उसे जॉब मिली नहीं और ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है, ये बस एक कल्पना मात्र है। यहाँ मैं बता दूं कि आई विश वाले सेंटेंस को जब आप प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो आपका वर्ब होगा वर, यानी प्रेजेंट में होने के बावजूद भी आप वर्ड वर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और अगर हम बात विश की करें तो आप वुड का यूज करेंगे, यानी आई विश वाले सेंटेंस को फ्यूचर में बोलने के लिए वुड का यूज किया जाता है। आइए एक एग्जांपल फ्यूचर टेंस में देखते हैं। मुझे उम्मीद है वह शाम तक लौट आएगी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई होप सी रिटर्न्स टिल इवनिंग, यानी मुझे उम्मीद है वह शाम तक लौट आएगी। फ्रेंड्स हो सकता है आप सोचें कि मैंने बोला लौट आएगी, यानी मेरा सेंटेंस फ्यूचर में है, फिर भी मैंने बोला रिटर्न्स, यानी मैंने विल रिटर्न नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आई होप वाले सेंटेंस में विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से अपने सेंटेंस को बोलेंगे, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते विल रिटर्न, बल्कि आप कहेंगे रिटर्न्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ आई होप सी रिटर्न्स टिल इवनिंग, जिसका मीनिंग हुआ मैं उम्मीद करता हूँ वह शाम तक लौट आएगी। अगर इसी बात को हम आई विश से बोलना चाहें तो ऐसे बोलेंगे आई विश सी वुड रिटर्न टिल इवनिंग। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ काश वह शाम तक लौट आती, यानी बातों से पता चला ऐसा होने की कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये बस एक कल्पना है या सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि ऐसा हो पाता, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि आई होप और आई विश को कैसे बोलना है या आई होप और आई विश में क्या फर्क है। मैंने यहाँ पर आई होप और आई विश को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर तीनों टेंस में इस्तेमाल करके सिखाया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस लेसन को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं
दूं ऐसे सैकड़ों स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।